हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 105 और 195 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे 105, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर 195 के करेंगे, ठीक है, और फिर एलसीएम। अच्छा, 105 के प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। तो जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखें, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, आपने चेक करना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल होता है हमारे पास कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से होगा ना, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 105 का लास्ट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे देखें 80 का लास्ट डिजिट 0 है, ठीक है, ऐसा ही है, 80 का लास्ट डिजिट 0 है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 का लास्ट डिजिट 0 है, इनमें से है, ठीक है। इसी तरह 102 का लास्ट डिजिट 2 है, इनमें से है, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह 105 और ये 195 है, दोनों का लास्ट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है, तो ये पूरे नंबर दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से होगा कि नहीं होगा, तो 3 से चेक करना हो तो उसके लिए क्या रूल होता है, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसके लिए ये रूल होता है कि आपने डिजिट्स प्लस कर देने, ठीक है। इस तरह 105 एक नंबर है, इसके डिजिट्स इस तरह प्लस कर दें, समझ आए। प्लस करने पे अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 प्लस करें 1, 1 में 5 प्लस करें 6, सारे डिजिट्स को प्लस करने पे 6 आया, 3 के टेबल में 6 आता है ना, इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, समझ आया। मैंने आपको क्या कहा था, प्लस करें, प्लस करने पर अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्लस किया तो 6 आया, 3 के टेबल में 6 आता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 ले लें, देखिए आपको डायरेक्टली नहीं ना पता चल रहा था, तो इस तरह रूल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 3 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली पता है 3 के टेबल में 105 इतने टाइम्स आता, तो आप यहाँ पे लिख लें, नहीं पता तो इस तरह कर लिया करें कि 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से छोटा, 3 के टेबल में 9 आता, तो आप इसे कट करके 9 बना लें, 3 के टेबल में 9 आता है 3 ज़ार, ठीक है, समझ आया। अब ये 10 था, जब कट होकर 9 बना, इसका 1 किधर गया, इधर, इसने से कैरी दे दिया, बन गया 15, 3 के टेबल में 15 आ गया 5 ज़ार। तो देखें 3 के टेबल में 105 35 ज़ार आ रहा था, ठीक है, 35 3 ज़ार 105 होता। तो अगर आपको डायरेक्टली पता था कि कितने टाइम्स आता है, तो आप यहाँ पे लिख लेते, फिर आप कटिंग ना करें, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे दोबारा 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 3 के टेबल में 35 नहीं आता, क्योंकि देखिए 30 आता है, फिर 33 36, और अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 3 में 5 प्लस कर दें तो हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, क्योंकि आपने चेक करना हो कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसके लिए ये रूल होता है, उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो किसी भी नंबर का, तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 ले लें, और डायरेक्टली भी देखें तो 5 के टेबल में 35 आता है, 7 ज़ार और 7 1 ज़ार, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 105 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो गया, 195 के करें। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि 2 से डिवाइड नहीं होता, हम यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है। 3 ले सकते हैं यहाँ पे कि नहीं ले सकते, उसके लिए फिर से डिजिट्स प्लस कर दें, तो यहाँ पे ऐसे देख लें 1 प्लस 9 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस करें 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 5 15, तो सारे डिजिट्स प्लस किए 15 आया, 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 ले लें, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, ठीक है, 19 से छोटा 18 आता है, तो आप इसे कट करके 18 बना लें, ठीक है, 3 के टेबल में 18 आता है 6 ज़ार, ये 19 था जब कट होकर 18 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 15, 3 के टेबल में 15 आ गया 5 ज़ार। अब देखिए 65 आ गया, हम दोबारा यहाँ पे 3 ले सकते हैं कि नहीं, 6 में 5 प्लस करें तो क्या होता है, 11, 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, यस। मैंने आपको क्या बताया था, 5 के लिए ये रूल होता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 के टेबल में 6 नहीं आता। अगर आपको डायरेक्टली पता है कितनी ज़्यादा आ रहा तो आप यहाँ पे लिख लें, नहीं पता तो इसके रूल के अकॉर्डिंग चलें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ बताया 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 से छोटा 5 आता है, 5 के टेबल में, तो आप इसे कट करके 5 बना लें, 5 के टेबल में 5 आता है 1 ज़ार, ये 6 था जब कट होकर 5 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 15, 5 के टेबल में 15 आ गया 3 ज़ार। अब आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर कैसे, 100 तक अगर कोई नंबर 2 या 3 या 5 या 7 इन चारों में से किसी टेबल में नहीं आता तो वो प्राइम नंबर होता है,
वो अपने टेबल में आता है, तो 13 प्राइम नंबर है ये अपने टेबल में आएगा तो 13 ही ले लेंगे। अब आपने यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ आपने लिख लिया ना, फैक्टर्स 105 के जो आए आप वो यहाँ पे लिखें, 3 × 5 × 7 195 के जो हैं वो यहाँ पे लिख लें, 3 × 5 × 13। अब देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों ये 5 दोनों में है, 7 इसमें है इसमें नहीं, 13 इसमें इसमें नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। अच्छा एलसीएम जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें क्या होता है जो कॉमन है उसको भी लिखना है एक दफ़ा, जो नॉन कॉमन है उसको भी यहाँ पे लिख देना, समझ आया? ठीक है, अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 5 कितना होता है 15, 3 × 5 = 15 हो गया, 15 × 7 कितना होता है 7 × 5 = 35 105 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया यहाँ तक 105 आ गया, 105 को 13 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर देते हैं 5 × 3 = 15, 3 × 0 = 1, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 1 × 0 = 1, 1365। तो हमारे पास क्या आ गया सबको मल्टीप्लाई करके 1365। तो ये हमारे पास आया है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है समझ आया? अगर बात कीजिए एलसीएम बाय डिवीजन मेथड की, तो उसमें क्या होता है मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी इस वीडियो में आपको, क्योंकि मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। देखिए बात कीजिए एलसीएम बाय डिवीजन मेथड की, तो ये होता है उसमें 3 नंबर्स का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इकट्ठे इकट्ठे करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट है, लेकिन इकट्ठे इकट्ठे इस तरह सॉल्व करते जाना है, ठीक है? तो मैंने इस पर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और ये भी हम जो कर रहे थे ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।